मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, उस्मान नगर में आज भी 4 से 5 फीट तक पानी है और घर तकरीबन डूबे हुए हैं और बास जगह पे तो एक कार डूबी हुई नजर आ रही है। आखिर इन गरीबों का कसूर क्या है, क्यों कोई भी इनकी मदद नहीं करता और अभी तक इस पानी को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्या ये उस्मान नगर तेलंगाना के इलाके में नहीं है? इन गरीबों का कसूर क्या है, ये अपने घर छोड़कर बाजू के दूसरे घरों में किराए से रह रहे हैं और इनको खाने की तकलीफ है और किराया देने तक पैसे नहीं है। इनका घर जो भी थे सामान के साथ डूबे हुए हैं, अब जो बेचने वाले ने तो बेच दिया, लेकिन आखिर पुलिस और हमारी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती और इन लोगों की गलती क्या है? इन लोगों को तकरीबन 2 साल से इनके घर पानी में डूब रहे हैं लेकिन इसकी साफ सफाई करने वाला कोई नहीं। लीडर आते हैं, दौरे करके चले जाते हैं, फिर दूसरा कोई नहीं। यहाँ पे लोग बयान देने के लिए तक डर रहे हैं, नहीं हम बयान दे देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, हमारा काम नहीं करेंगे। ये हालत यहाँ के गरीबों की है। ज़रा अल्लाह ताला जिन लोगों को दौलत दी है वो अपने साथ तो दौलत नहीं ले जाएंगे, लेकिन इन गरीबों की जाकर कुछ मदद करिए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। वो TRS को जो है सो हमला ऐसा से लेके आए, क्या हाँ हम लोगों के तरफ से आप आए लेकिन हमारे को तुम देखने वाले नहीं है। कम से कम आके क्या जा रहा नहीं जा रहा पुल पे जाके, वो तुम है क्या है तुम है वो तुम करने जाके देखना करना जो है सो लोग कचरा डाल दिए। पैसे सैंक्शन हुए बोले, आखिर पैसे सैंक्शन हुए तो काम कराती हूँ बोले, कब कराते सविता इंद्र रेड्डी आप जो है सो गरीब उनका हंसी मजाक कर दे रही हैं। आ रही देख लोग आ रही देख रही चले जा रही, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। इस दिन के लिए आपको लेके आए क्या हम लोग? आएंगे कब आएंगे क्या है नहीं मालूम है। ये एरिया को तो सॉफ्ट को तो देखने का तो है ही नहीं। हाँ पूरे चारों तरफ का पानी पूरा तालाब में मिला दे रहे हैं, तालाब में मिलाए तो जो है सो आएंगा नहीं हमारे घरों में तो क्या होगा। चारों तरफ का पानी पूरा तालाब में, अब और बिलंग से आ जा रहा पड़ता सो पानी भी उसमें जो नालियों के पानी है उसमें जो जो है सो सब लाके उसमें तालाब में मिला रहे हैं तो लॉन्ग पानी जो है सो हद से ज्यादा हो जा रहा, पानी जा रहा नहीं कुछ भी नहीं। आखिर कब हम लोगों के मिजाज खराब हो जा रही, चक्कर आ रही, मिजाज खराब हो जा रही, सोचते सोचते आखिर ये क्या है, कब हल होएगा, कब होएगा क्या है बोल के। तो इधर इंदिरा रेड्डी आ रही, कईयो जो है सो मूवी वाले आके ले लेके जा रही लेकिन आप तक नहीं पहुंचा रही हमारी हाल हकीकत। उन लोग इतना कैसा डर है वो उन लोगों को जो हाल हकीकत आपके सामने नहीं डाल रही, ना KCR के सामने डाल रही, ना क्या नाम तुम्हारे KTR के सामने डाल रही, ना आपके सामने डाल रही। ये मूवी वाले आ रही ले रही चले जा रही होगा, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये दिन है बोले तो आपका ख्याल हम नहीं करते थे और किसी का ख्याल करते थे मगर आपका ख्याल नहीं करते थे। देखिए भाई उस्मान नगर में पानी हमेशा के लिए पानी है, सो साल के 12 महीना पानी छह यहाँ पर सो भाई MLA आए सो भाई मगर पानी कोई नहीं निकाले, समझे ना, पानी जाने का रास्ता नहीं है। अब हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे
शोहरानी है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोगों की जिंदगी कैसा होना, फिर हम क्या उससे जीना, समझे ना आप। कुछ रास्ता निकालो, ये गवर्नमेंट बोले गवर्नमेंट कुछ हल नहीं निकाल रही, सब जने आ रहे हैं देख रहे हैं, एमएलए उन लोग इन लोग सब जने आ रहे हैं देख रहे हैं, कुछ रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, पानी का जाने का रास्ता निकालो। तो फिर हम लोग मच्छरों में कोई दवा डालने वाला नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, क्या हम मर जाना है क्या इसमें, बोलो आप लोग। सब लीडर आ रहे हैं, जलपल्ली तक देख लेके जा रहे हैं, यहाँ पर आ रहे नहीं, कहीं को भाई ये इलाका आप लोगों का नहीं होता क्या, आप लोग नहीं देख सकते क्या यहाँ पर आके, बोलो अब हम लोग किधर जाना, फिर अब मुसलमान ही है ना, इधर भी एक नजर देखो आप लोग आके, इधर भी थोड़ा ख्याल करो, किधर जाना, बाल बच्चे वाले घर छोड़ के दारा छोड़ के किधर जाएंगे बोलो, कोई रास्ता ही नहीं है हम लोगों का जाने के रास्ते, किधर जाना आप लोग, आओ इधर इंक्वायरी करो, पानी जाने का रास्ता निकालो। हेलो, तब सब घर खाली करके जा रहे हैं इधर उधर, पैसे नहीं कुछ नहीं, किराए के घरों में कैसा रहना बोलो आप लोग, कोई देने वाला कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरे बच्चे का हादसा हुआ, कोई हमको मदद अब तक 5 पैसे की मदद नहीं हुई किसी से हमारे को। क्या हादसा हुआ था बच्चे का आपका? पानी में दोस्त बुलाया और कश्ती डूब गई, उससे पहले उनके बाबा का इंतकाल होगा 2 महीने पहले, उसके बाद में बच्चे का हुआ, अभी तक किसी की कोई मदद ही नहीं आई हमारे को, समझे ना भाई। बस हम गुजरान कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, मगर इंसान रह के फायदा क्या है बोलो, गवर्नमेंट है कुछ हल निकालना, कुछ करना, कुछ है ना भाई बोलो, इंसान के वास्ते नहीं है क्या बोलो आप लोग, इतनी लापरवाही कर दी है, क्या करो, सब जने पानी में गिर के मरना क्या बोलो हम लोग जाके, ये तरीका होता क्या बोलो, कितनी गलत बात है ये बोलो, यहाँ के मुसलमान को कितनी तकलीफ हो रही, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, हर एक को तकलीफ हो रही, कोई इसका हल नहीं निकाल रहा देखो भैया, समझे ना। बस मेहरबानी करके आप लोगों से ये बोलना है कि पानी का बंदोबस्त करो, पानी निकालो, लाके कुत्तों को खाना फेंके वैसा नको फेंको, समझे ना, इंसान है हम भी, पानी का बंदोबस्त निकालो बस, मेहरबानी करके। सब लोगों को बोल रहे हैं, जितने भी बड़े हैं उन लोगों को सबको बोल रहे हैं कि पानी ही निकालो आप लोग मेहरबानी करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आजिदा बेगम है, उस्मान नगर से बोल रही हूँ। हम एक साल से परेशान है, पानी आया बोल के, बारिश का पानी था, अब तो मोरियाँ भरे हुए है, मोरी का डैमेज का पानी है, हर मुल्क का पानी इधर आ जा रहा, हर एरिया का पानी इसमें छोड़ दिया। सविता रेड्डी कुछ भी नहीं कर रहे, KCR भाई कुछ भी नहीं कर रहे, KTR भी कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे को कोई नहीं देख रहे, हमारे को कोई देखेगा कौन करेगा, हमारे को घर भी नहीं मिल रहे, पूरा पानी आधा आधा कमर भर पानी है हमारे घरों में, हम किधर जाएंगे क्या करेंगे, हमारे को हम कुछ भी नहीं करते, हम रोड पे बैठ जाते, नहीं बोले तो हम लोग काउंसलर के घर में बैठ जाते, हम कुछ भी नहीं करते, सविता रेड्डी हमारे को कुछ भी नहीं कर रहे, आप करते करते बोल के हम इतने दिनों से आपके उसके ऊपर है, हमारे को कुछ तो भी करो, पानी जाने का हल करो, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सक रहे हम तुम्हारे हक में हम बहुत याद कर रहे, रोजाना याद कर रहे, हमारा जो भी हल करो, KTR साहब, KCR साहब, सविता रेड्डी, हमारे को कुछ भी करो, कुछ भी करो हमारे को, हम कुछ भी नहीं कर सक रहे, हमारे घरों में हम भूखे भाके रह रहे, हम पैखानों के पानी में रह रहे, हम क्या भी नहीं कर सक रहे, हमारे को कोई भी हमारे को सहारा नहीं है, हम किधर जाएंगे क्या करेंगे, हमारे को लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से भी हम ऐसी चाहे, अब हम किसके घरों में रहेंगे, घरों को कहते 5,000 दो, 10,000 दे बोल रहे, हमारे को कौन देगा, हम क्या करके जिएंगे, हमारे को छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मच्छरों में कब तक रहेंगे, हम रहते एक हमारे को गरीब लोग है ना, हम लेके घर बना लिए, हमारा घर ऐसा हो जाए, एक साल से हम परेशान है, कुछ भी ना करते, सविता अम्मा आप करना है काम, कुछ भी करना है तो हमारा चैनल देखे सवाल है, हमारे को कुछ भी कोशिश करो, कुछ भी मदद करो, हमारे वास्ते कुछ भी पानी का हल करो, हम यहाँ पे नहीं तो हम मर जाएंगे, हम लोग यहाँ पे मच्छरों के तरफ से हम मर जाओ ना क्या, काउंसलर साहब, सविता रेड्डी, KCR, KTR, हमारे को लोगों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे जानों को घर दे रहे, हमारे को क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे बोलो, हमारे कहने गरीब है हम, हमारे बच्चे मजदूरी मेहनत करते, ऑटो चलाते, रिक्शा चलाते, होटल में काम करते, हमारे बच्चे क्या करेंगे, KCR भाई बोलो। सलाम अलैकुम, देखो सविता रेड्डी अम्मा, सौ सौ सलाम है अम्मा तुम्हारे को, हमारी परेशानी देख रहे ना अम्मा, देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं अम्मा परेशानी, हाँ 25 साल से हम लोग रह रहे हैं, परेशानी नहीं उठा अम्मा हम लोग, अब क्या होगा अम्मा तुम्हारे को, अब क्या होगा बोलो, तभी तो भी आके सारा तो भी देखना अम्मा, हमारे को तसल्ली दे रहे ना अम्मा, हमारे को तसल्ली नहीं दे रहे, हमारे को कुछ पूछ रहे नहीं अम्मा, हमारे कहने मर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, पानी में गिर के मर गए लोग, तुम आए नहीं अम्मा, क्या तो भी कर रहे अम्मा तुम, सविता अम्मा, KCR,
एक सौ क्या कर रहे हैं अम्मा आप लोग, बड़े बड़े लोग रह के हमारी शायद हमारी उस्मान नगर को डुबा दिए अम्मा, घरम पूरे डूब गए अम्मा हमारे। अम्मा क्या कर रहे हैं तुम बोलो, आए कते कल आए हमारे तरफ नहीं आए अम्मा आप, हम उतने बुरे लोग हो गए अम्मा, हमारे बीमारियां हमारे बच्चे पूरे दवाखाने में अम्मा, क्या खाएंगे अम्मा क्या रहेंगे अम्मा हम लोग, घर गया दार गया हमारी जिंदगी गई क्या अम्मा, 25 साल की सर्विस हमारी जिंदगी चले गई अम्मा। अब नहीं आए अम्मा, अब नहीं आए अम्मा, हमारी सूरत भी नहीं देख रहे अम्मा आप आके, आखिर वोट जाते जब आते अम्मा, वोट दो बीबी वोट दो अम्मा बोलते, अब क्या हो गया अम्मा हम लोगों को, अब क्या तो भी करना हम लोग क्या करना बोलो, घर टूट गया तो घर के अंदर गिर के मर जाना हम लोग, पूरे पानियों में घर रह के गिर के मर जाते हम लोग, घर हमारे ऊपर गिर जाता हम मर जाते, पापा आ गए अंदर बिच्छू आ गए, ये बड़ा बड़ा सांप आके घर में बैठ गया, क्या करना हम क्या करना बोलो, सांपों को पका के खाना क्या करना, नहीं तो मसान गट्टी में ले जाके गाड़ते हमारे को, क्या कर रहे हैं अम्मा तुम इतने दिन रह के यहाँ का यहाँ आके यहाँ नहीं आए अम्मा, हम रात में रात के 12-1 बजे तक आपका इंतजार देख लेते बैठे, अम्मा आते होंगे अम्मा आते होंगे बोल के, आपके काउंसलर क्या कर रहे हैं, आपके काउंसलर काउंसलर आ रहे हैं, काउंसलर भी नहीं आ रहा अम्मा हमारे को, कुछ भी नहीं पूछ रहा अम्मा, कुछ भी नहीं पूछ रहे अम्मा, हम लोग नहीं ले रही अम्मा, हम लोग मर जा रहे अम्मा, मर जा रहे अम्मा, कविता अम्मा कैसी है कविता, क्या कर रहे हैं क्या बोल बोलो, ऐसी अगर पानी का हाल रहेगा हम 8-15 दिन देखेंगे, एमएलए काउंसलर जो भी है हम उनके घरों में घुस जाएंगे, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम नहीं है तो हम जाके दम दे देंगे, हम मर जाएंगे हम लोग, काउंसलर हो या एमएलए हो या और कोई हो लीडर हो उनके घर में हम घुस जाएंगे, समझे ना आप, हमारे सबसे ज्यादा वो होगा, सबसे ज्यादा वो होगा, जब पानी रहेगा तो कैसा, पहले पानी का हल निकालो बस, अब समझे नहीं, गवर्नमेंट से भी ये हुकूमत करे कि पहले पानी का हल निकालो, घर में से लाशा नहीं निकालते, नहीं पानी निकालते, कोई आके पूछने वाला नहीं है, कोई लाशा भी नहीं है, 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 नहीं माँ आपके एमएलए तो बोल रहे हैं काम चल रहा, काम चल रहा, नहीं वो कट्टा बनाओ, कट्टा तोड़ना हम लोग, नया माँ कट्टा बनाए बोल रहे ना, कट्टे के बाद पार हो गया पानी पूरा, अम्मा केसीआर केसीआर सारू माँ सारी उस्मान नगर को चरू चूडी सारू మేం చాలా పరిశారు ఉన్నాము, ఈ అంత మోరీలు పానీ అంత డేలిజీల పానీ వచ్చి మా ఇంట్లో ఇంత కష్టపడుతున్నాము, ఈ నీళ్లతో మేము దోమలేమి 2 సంవత్సరాలు అయింది, మా పరిస్థితి ఎవరు చూస్తలేరు, ఆ పని కట్ట పని గాని జరగలేదు, మెయిన్ రోల్ పని గాని జరగలేదు, చాలా ముసిబతిలో ఉన్నాం మేమంతా, బీమారైపోయి ఈ దోమలతో ఈ బీమారులు అయిపోతున్నారు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ, ఎక్కడ పోయి ఉండాలి సార్ మేము, ఆ చాలా ఇంట్లో నీళ్లు డైలీ నీళ్లు ఇంట్లోకి వస్తాయి, మాకు ఇండ్లు దొరుకుతాయా, ఖాళీ చేసిపోయేకి పైసలు ఉంటాయా, అడ్వాన్సులు కట్టేకి, ఇంత కష్టం పెడుతున్నారు మాకు 2 సంవత్సరాలు అయింది, ఎక్కడ పోలా మీరు, ఇంత ఈ డైలీ పని ఫస్ట్ డైలీ నీళ్ళు వస్తున్నాయి, వచ్చి ఒక్కసారి చూడండి మా భక్తిలో, చెరువు నీళ్ళ లేదంటే వర్షం నీళ్ళ, ఈ డైలీ నీళ్ళ మా ఇంట్లో వచ్చేది, అది వచ్చి చూడాలా మీరు, కేటీఆర్ సార్ గాని కేసీఆర్ సార్ గాని మేడం గాని వచ్చి చూడాలా, వర్షం నీళ్ళు వస్తలేవు మా ఇంట్లో, ఈ డైలీ నీళ్ళు వస్తున్నాయి, మాకు చాలా కష్టం పెడుతున్నారు మీరు అందరు కలిసి, మంచిది కాదు ఇదారు మీరు కేసీఆర్ గారు, మా ఉస్మాన్ నగర్ లేదా, మా ఉస్మాన్ నగర్ తెలంగాణ లేదా మీకు, మా ఉస్మాన్ నగర్ తెలంగాణ లేదా,
బంగార్ తెలంగాణ అంటారు ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇంత కష్టం పెడుతున్నారు మాకి చూడండి డ్రైనేజ్ నీళ్ళు చూడండి వర్షం నీళ్ళు కాదవి డ్రైనేజ్ నీళ్ళు వచ్చి చూడండి మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పేది ఏం లేదు ఇన్ని దినాలై వర్షం నీళ్ళు ఇంట్లో పసలేవు ఎక్కడ పోవాలా మేము రొంతన్నా మీరు ఆలోచించాలా మా గురించి ఎన్నిసార్లు ఆ ఏమన్నా చెప్తే రెండు దినాలు కట్ట పని చేపిస్తారు మళ్ళీ బంద్ చేపిస్తారు కిరాయిలు కట్టుకుంటారు ఎట్లా ఉంటారు ఒక్కసారని ఆలోచించలేము सबिता रेड्डी केसीआर केटीआर सबको सलाम मेरी तरफ से। देखो भाई आप लोगों को कब से बोल रहे कितने दिन से हम लोग परेशान हाल है हमारी देख रहे आप लोग। देखो वो घर है मेरा वहाँ पर पानी में डूबा हुआ पूरा वो वायलेट कलर का जो लाइट दिख रही ना वो मेरा घर है पूरा पानी में डूबा हुआ कितने दिन से बोल रहे न तो जान दो हम आपको नको घर ना नको तुम्हारे घरों में आके रहते हम पूरी पब्लिक को ले लेके आ जाती है आगे रहेंगे तुम्हारे घर में बोल दे रहे तो पैसा नहीं अपने को अपन जाके उनके घरों में किराया को नहीं निकल रहा मेरे को किराएदार बराबर पैसा होना बोल रहे कहाँ से ला के देना पाँच पाँच दस दस हजार ले रहे कहाँ से ला के देना इसलिए बोल के बोल दे रही मैं पूरी पब्लिक को ले लेके मैं आती हूँ मैं इससे पहले भी बोली न्यूज में सुने नहीं सुने पता नहीं मगर मैं वो भी बात बोली अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें 7H न्यूज़ सिर्फ आपकी आवाज़।